नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। दतिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया जिले की ग्राम परासरी में कन्या पूजन कर वैक्सीनेशन के महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 5 लोगों को वैक्सीन लगवाकर उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया। चौहान ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाना अत्यंत आवश्यक है। वैक्सीन लगवाने के बाद या तो कोरोना बिल्कुल नहीं होगा और यदि होगा तो उसका असर बहुत ही कम होगा, इसलिए सभी लोगों को वैक्सीन अवश्य लगवाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने कम समय में वैज्ञानिकों के माध्यम से जो वैक्सीन देश को उपलब्ध कराई है वह पूर्ण रूप से कारगर है। 21 जून को प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के बाद भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहने की भी अपील की। लेकिन सबसे प्रभावी उपाय है, जिसके लिए आज बड़ा सही भी मैं आया हूं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा, हमने प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया, अप्रैल में टास्क फोर्स बनाई और पहली बार इतनी जल्दी महामारी की वैक्सीन बना के तैयार करवा दी नरेंद्र मोदी जी। अब वैक्सीन हमने पास आई, हमको वैक्सीन लगवाना है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन अगर लग गई तो कोरोना का संक्रमण या तो होगा ही नहीं, और हुआ तो वो शरीर पे ज्यादा असर डालेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर में उससे कोरोना से लड़ने की वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी, तो लड़के वायरस को ही खत्म कर देगा, मतलब जिंदगी नहीं जाएगी, जिंदगी बचेगी, या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत कम असर होगा कि हमको जिंदगी बचाने का ताकत मिल जाए। और इससे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, केवल पराशरी और दतिया जिले वालों से नहीं, आज यहां से अभियान का मैंने शुभारंभ किया है। ये पराशरी दतिया की इस पवित्र धरती से मेरे प्रदेशवासियों, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं, वैक्सीन लगवाओ मेरे भाई और बहनों। ये वैक्सीन नहीं संजीवनी है, ये वैक्सीन वैक्सीन नहीं जिंदगी है, जिंदगी। और जिंदगी अगर भगवान ने दी है, इसको गंवाना नहीं है, इसको बचाना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। अपने आप को खतरे में मत डालना। कुछ लोग विरोध करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, समाज के दुश्मन है जो विरोध करते हैं, उनको पता नहीं वो कितना नुकसान कर रहे हैं, वो जनता की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैंने आज माई से भी एक माई इतनी कृपा करते हैं कि तीसरी लहर अगर आए तो उसका मुकाबला करके हम उस लहर के प्रभाव को ही समाप्त कर दें। माँ ये ताकत दी माई के चरणों में दिए, लेकिन माई भी कहती है कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगा, साथ आने रखनी पड़ेगी। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।